नमस्कार विद्यार्थियों, आज का अगला टॉपिक है मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम। मानव भूगोल का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए, उनको कौन कौन से अप्रोच लगा के अध्ययन किया जाए, उससे संबंधित है। मानव अपने उपागमों के बारे में थोड़ा विस्तृत से अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में मानव एक विशिष्ट तथ्य का अध्ययन है, वो वातावरण के साथ किस प्रकार से संबंधित होकर करता है, किस प्रकार समाज और वातावरण एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। मानव जितनी अपनी भौतिक आवश्यकताएं हैं वो वातावरण में रह के पूरी करता है। कुछ वातावरण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो कुछ समायोजन का प्रयास करता है। तो इस प्रकार वातावरण और मनुष्य के बीच में आपसी संबंध पाए जाते हैं। मानव परिवर्तनशील है और समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों समूहों में संपर्क में रहकर अंतर संबंध स्थापित करता है और इन सभी तथ्यों का मानव भूगोल में विविधता के कारण है। कुछ टेक्निक अपनाई जाती है कि किस तरह से अध्ययन किया जाए, हमें उससे संबंधित मानव भूगोल में अध्ययन के पांच उपागम हैं। ये पांच उपागम हैं। पहला आता है पारिस्थितिक उपागम, तुलनात्मक उपागम, प्रादेशिक या स्थानिक उपागम या आचार परक और व्यवहारिक उपागम और कल्याण परक उपागम। ये पांच प्रकार के उपागम हैं जिनमें मानव भूगोल में इनके अध्ययन किया जाता है। इसमें पहला आता है पारिस्थितिक उपागम। आधुनिक युग में मानव भूगोल का अध्ययन पारिस्थितिक उपागम से किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में किस प्रकार मानव अपने क्रियाकलाप करता है, उसके साथ किस तरह से समायोजन करता है, मानव विभिन्न प्रकार की जलवायु में किस तरह से वहाँ पर खेती करता है और विभिन्न प्रकार की अपनी तकनीकों से कृषि करने के तरीकों में किस प्रकार से वो बदलाव लाता है, ये सारे तथ्यों का अध्ययन है वो पारिस्थितिक उपागम में किया जाता है। पारिस्थितिक उपागम में एक क्षेत्र के विभिन्न अंतर संबंधी तथ्यों का अध्ययन है वो एक इकाई के रूप में किया जाता है। और इसलिए किया जाता है पारिस्थितिक उपागम में क्योंकि उस क्षेत्र विशेष का वैज्ञानिक ज्ञान है वो उपलब्ध हो सके। तो पारिस्थितिक उपागम क्या हुआ कि विभिन्न पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की जलवायु है उसमें विभिन्न प्रकार का जो भूमि उपयोग है, मानव अपनी सोच या समझ, अपने कौशल या दक्षता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में जो अपने अनुसार परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कृषि तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास करता है और प्रत्येक क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मनुष्य और वातावरण के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। ये मूल बात है कि प्रत्येक इकाई क्षेत्र में मनुष्य और वातावरण के सभी पक्षों का अध्ययन करता है तो इस प्रकार पारिस्थितिक उपागम कहलाता है। दूसरा आता है तुलनात्मक उपागम। अब तुलनात्मक उपागम क्या है, सबसे पता चल रहा है तुलनात्मक उपागम में कि इस प्रकार के अध्ययन में दो या दो से अधिक भौतिक समानता वाले क्षेत्रों को चुनकर मानव द्वारा प्रभावित कारकों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे अमेज़न और कांगो बेसिन में तुलनात्मक अध्ययन करें क्योंकि दोनों भूमध्य रेखा पर स्थित है, दोनों में अलग अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। अमेज़न बेसिन में बोरो जनजाति पाई जाती है तो कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है और इन दोनों का सामाजिक जीवन, उनका वातावरण और वातावरण के साथ रहन सहन, समायोजन या अनुकूलन और कृषि का वातावरण पर प्रभाव, उन दोनों जातियों का प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है तो हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन सा पर्यावरण मानव के लिए अधिक सहयोगी रहा है और क्यों इस प्रकार के अध्ययन में मानव भूगोल में किए जाते हैं। कहने का मतलब है हम वहाँ ऐसे क्षेत्र विशेष का अध्ययन करें दो जहाँ समान स्थिति हो, समान प्रकार की जलवायु पाई जाती हो और वहाँ पर रहने वाले लोगों पर उन दोनों पर्यावरण में, समानता वाले पर्यावरण में मानव पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं उनका तुलनात्मक हम अध्ययन करें तो इस प्रकार का उपागम है तुलनात्मक उपागम कहलाता है, कंपेरेटिव अप्रोच। अगला तीसरा आता है प्रादेशिक उपागम या स्थानिक उपागम। इस प्रकार के अध्ययन में प्रदेश या क्षेत्र या लघु क्षेत्र को एक इकाई मानकर उसमें मानव और उसकी समस्त क्रियाओं का पर्यावरण और उसके प्रभाव और मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन
प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है। कहने का मतलब है किसी एक छोटे प्रदेश को या विस्तृत प्रदेश को लेकर वहाँ के वानों की सभी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाएं, पर्यावरण के साथ उनके प्रभाव, उनके संबंध, इन सारे तथ्यों का प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाए। इसमें इकाई का चयन भौतिक आधार पर नहीं होकर राजनीतिक आधार पर होता है। ये मेन बात है यहाँ पर कि प्रादेशिक उपागम में जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक इकाई के आधार पर नहीं किया जाता, राजनीतिक इकाई के आधार पर किया जाता है या प्रशासनिक आधार पर, जैसे जिला, राज्य, ग्राम, देश, इसके आधार पर किया जाता है। किसी भी प्रदेश या देश या लघु प्रदेश के अध्ययन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है कि हम किन किन तथ्यों का वहाँ पर उस प्रादेशिक उपागम में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहली आती है अक्षांशीय स्थिति, वो किस तरह के अक्षांशों पर निर्भर है, अक्षांशों पर स्थित है, वहाँ के तापमान, दाबमान, दाब, वायुदाब, वर्षा आदि का वहाँ पर किस तरह का स्थिति पाई जाती है। अगला आता है भौगोलिक स्थिति, वो समुद्र भूमि विषुव रेखा से कितना दूर है, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, इस तरह की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। वहाँ के क्षेत्र की जलवायु, भू आकार, आकारिकी किस प्रकार की है, वहाँ पर पशु जीवन किस प्रकार का है, मानवीय तथ्यों का अध्ययन है वो किस प्रकार से किया जाता है, इन सारे तथ्यों का अध्ययन है वो प्रादेशिक उपागम में किया जाता है। अगला आता है आचार परक या व्यवहारिक उपागम। मानव भूगोल की विषय वस्तु है जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एक व्यवहार परक उपागम के कारण क्रांतिकारी गुणात्मक परिवर्तन आए। कहने का मतलब है प्राचीन काल में मानव भूगोल का एक 18वीं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के मध्य तक है, मानव भूगोल में ज़्यादा नई तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था, केवल साधारणतः भौतिक सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता था। जैसे ही विकास हुआ 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद, मानव भूगोल में विभिन्न प्रकार के गणितीय या ये कहें कि मात्रात्मक तथ्यों का समावेश किया गया, और इन तथ्यों का समावेश है वो मानव ने अपनी गुण, रुचि, आवश्यकता, बौद्धिक क्षमता, सृजनता, इन तथ्यों के आधार पर किया। और उन्होंने पाया कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं जो मानवीय गुण, रुचि, व्यवहार में अंतर पाए जाते हैं, और वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक प्रतिरूपों में भी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार मानवीय व्यवहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और इन तथ्यों का जो विश्लेषण है व्यक्तिगत आचरण को प्राथमिकता प्रदान किए करते हुए किया जाता है। तो इस प्रकार का उपागम है आचार परक या व्यवहारिक उपागम कहलाता है। कहने का मतलब सीधा सा हुआ कि मानव अपने व्यवहार है, अपनी रुचि है, अपनी बौद्धिक क्षमता है, सृजनता है, या आवश्यकता के आधार पर जो किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करता है, वहाँ का विश्लेषण करता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार उन तथ्यों को प्राथमिकता देता है। तो इस प्रकार का अध्ययन है वो आचार परक या व्यवहारिक उपागम कहलाता है। अगला आता है कल्याण परक उपागम। इस उपागम का 1960 के बाद दशक के बाद हुआ, जिसमें मात्रात्मक और मॉडल निर्माणों की प्रतिक्रिया का परिणाम था, और 1970 के बाद है ये उपागम शुरू होता है। ये उपागम व्यवहार परक उपागम से ही मिलता जुलता है। इसमें भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मक विधियों व आंकड़ों के अत्यधिक प्रयोग के कारण क्या हुआ, असामयिक सामाजिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा, क्योंकि ये कुछ उपागमों का आचार परक या व्यवहारिक उपागम आने के कारण मानव भूगोल का वो अध्ययन है केवल मानव अपने हित के लिए किया जाने लगा। तो वहाँ पर कुछ समसामयिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, अर्थात मानव कल्याण पर नहीं ध्यान दिया जा रहा था, ये मानव की विभिन्न समस्याओं पर ध्यान नहीं जा रहा था। तो इस प्रकार का उपागम है जो मानव कल्याण की दृष्टि से मानवीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानीय संगठन के आधार पर अध्ययन करता है, जिसमें मानव कल्याण के विभिन्न जो पक्ष हैं, जिसमें गरीबी, असमानता, भूखमरी, बीमारी, अपराध, भेदभाव, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जो एक प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण किया जाना चाहिए और उनका अध्ययन करके उनको दूर किया जाना चाहिए, उन पर विभिन्न प्रकार के अपने सुझाव दिए जाने चाहिए। तो कहने का मतलब है कल्याण पर उपागम वह उपागम हुआ जिसमें मानवीय कल्याण को ध्यान में रखते हुए भूगोल का अगर अध्ययन किया जाता है और मानवीय समस्याओं का निराकरण हेतु विभिन्न प्रकार के अपने सुझाव दिए जाते हैं और प्रादेशिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, इस प्रकार का अगर उपागम है, अध्ययन करने की पद्धति है, तो वो कल्याण पर उपागम में की जाती है। तो इस प्रकार मानव भूगोल के
अध्ययन में विभिन्न प्रकार के जो पांच उपागम है इन उपागमों का अध्ययन किया जाता है।